ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। नमस्कार, मैं हूं फिरोज हाशमी, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। जो है इस वक्त समय 10 बज चुके हैं। हम आपको एक बार फिर प्रहार टाइम्स के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं वो मंजर जो कल 10,000 से अधिक झोपड़ों में पानी समा गया था, कई इलाकों में पानी में डूब गया था और अभी भी डूबा हुआ है। अभी भी जो यहाँ पे झोपड़े हैं वो डूबे हुए हैं। लगभग 24 घंटे बाद भी पानी कम नहीं हुआ है और पानी की बहाव इतनी तेज़ थी कि लोगों के घर तो डूबे ही मगर घर में रखे सामान भी ख़राब हो गए हैं। और यही नहीं बल्कि ऐसे कई कीमती सामान इस बाढ़ में बह गई है, काफ़ी नुकसान हुआ है लोगों का। यहाँ पर कल यही वो जगह है जहाँ पर नाव चल रही थी, नाव के जरिए से लोगों को बाहर निकाला गया। 24 घंटे लोग मदद की गुहार लगा रहे थे और हालांकि आज भी वही परिस्थिति बनी हुई है। और अमीनाबाग, एमएम वैली रोड, बाबा जी पाटिलवाड़ी, मुमरा स्टेशन लबालब पूरा भरा हुआ था पानी से। और अपने घर में रखे कीमती सामान अल्लाह के भरोसे छोड़कर अपने बच्चों को लेकर यहाँ से बाहर निकले थे। जिनके रिश्तेदार नहीं थे आसपास, वो काफ़ी दिक्कतों का सामना उन्हें करना पड़ा है। बहरहाल 26 जुलाई की बाढ़ से कम नहीं थी बारिश। तो बारिश बदलापुर से लेकर कल्याण, डोंबिवली, अंबरनाथ, थाना, मुमरा, दीवा पूरा डूब गया था। जो झोपड़े थे, जो ग्राउंड फ्लोर पे थे, वो पूरी तरह से डूब चुकी हैं। और यहाँ पर देख लीजिए आप, जो है अभी भी वही स्थिति बनी हुई है जो कल थी। अब लगभग 24 घंटे बाद भी पानी कम नहीं हुआ है। ये अभी की हालात है हम आपको जो दिखा रहे हैं। अभी भी नाव चल रही है यहाँ पर लोगों को निकालने के लिए, राहत कार्य बचाव अभी भी चालू है। जो स्थानीय लोग हैं वो एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। जिस तरह से आप देख रहे हैं ये पानी भरा हुआ है, इसी तरह से ये लगभग कई चालियाँ यहाँ पर हैं। सभी चालियों में पानी भरा हुआ है, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि कई ऐसे चाली हैं जो पूरी तरह से भरी हुई हैं। और अमीनाबाग, दौलत नगर ही नहीं बल्कि जो है बाबा जी पाटिलवाड़ी, मुमरा स्टेशन और आनंद कोलीवाड़ा, एमएम वैली, इन सारी जगहों पर जो है पूरी तरह से अभी भी पानी वैसा ही भरा है जिस तरह से कल भरा हुआ था, लेकिन थोड़ा कम है। जिसके कारण पूरा दीवा, मुमरा, कल्याण, बदलापुर डूब गया था। चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा था। ग्राउंड फ्लोर पर रहने वालों को नुकसान का सामना करना पड़ा। किसी की ज़िंदगी भर की मेहनत पर पानी फिर गया। ये वही जगह है जहां कल तक मौत का मंजर दिखाई दे रहा था, हालांकि आज भी दिखाई दे रहा है। जहाँ कल तक मौत का मंजर दिखाई दे रहा था, यहाँ पर रस्सियों के सहारे, बोट नाव के सहारे लोगों की मदद किया जा रहा था और आज भी मदद किया जा रहा है। हम आपको दिखाते हैं उन घरों की तस्वीरें जिन घरों में इंसान नहीं बल्कि पानी ही समाया हुआ था और आज भी समाया है। तो कहीं ना कहीं ये 24 घंटे बीत चुके हैं और आज भी देखिए लोगों के घरों में पानी ही पानी है। लोग काफ़ी यहाँ से निकल चुके हैं। अब इस जो झोपड़े हैं इनके जो ग्राउंड फ्लोर पे, वो जो है अपने रिश्तेदारों के यहाँ, कहीं स्कूल में इन्हें थाने महानगर पालिका शिफ्ट की है। तो जो पहले महले के जो लोग हैं वो सुरक्षित हैं, वो अपने रूम पर हैं फिलहाल। ये देखिए कल इसी रस्सी के सहारे से जो है लोगों को लाया गया। लोग आ रहे थे, जा रहे थे और ये पूरा जो खाड़ी दिख रहा है, एक तरफ जैसा कि हमने पहले भी कहा है कि एक तरफ खाड़ी दूसरी तरफ पहाड़ी, तो कहीं ना कहीं ये खाड़ी जो है आज भी भरा हुआ है, अभी भी भरा हुआ है, अभी भी जो है ये है। लेकिन एक फीट कल से और आज में एक फीट की कमी आई है। जो पानी की जो बढ़ोतरी थी वो एक फीट की कमी आई है यहाँ पर जो है। स्थानीय लोगों की, जो यहाँ के रहवासी हैं, उनकी मांग है कि कुछ सरकार के तरफ से, ठाणे महानगर पालिका की तरफ से कुछ ऐसी जो है सुविधा मुहैया कराया जाए, उनको राहत मिल सके। और यहाँ पर जो आपको हम दिखा रहे हैं जो है, देखिए पूरा ये इलाका किस तरह से भरा हुआ है। पूरा ये इलाका भरा हुआ है, पानी में डूबा हुआ है, कल से डूबा हुआ है। यहाँ पर देखिए जो है लोग मदद के लिए जो है पहुँच चुके हैं।
ये डॉक्टर मुमताज़ शाह हैं जो दूध बांट रहे हैं, जो जिनके घर में बच्चे लोग हैं उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा, ऐसे में डॉक्टर मुमताज़ शाह जो है ये मदद के लिए यहाँ पर देखिए दूध बांट रहे हैं। डॉक्टर साहब कितने दूध आपने अभी तक लोगों को जी? हम लोगों ने सबसे बड़ी बात है, सुबह सबसे पहले जो हालात है वो आप देख रहे हैं, माशाल्लाह प्रहार की टीम देख रहा हूँ घूम घूम के जो है रिपोर्टिंग कर रही है। तो सुबह सबसे पहले जिन लोगों ग्राउंड फ्लोर पर घर पूरा डूबा हुआ है, लोग ऊपर हैं और ऐसे भी लोग बिल्डिंगों से निकल के सामान मार्केट से नहीं ले जा सके, तो फजर के बाद से हम लोगों ने बांटना शुरू किया है और हर गली हर मोहल्ले में हम लोग जा रहे हैं। पूरे बच्चे हमारे अलहरम की टीम है, कोशिश कर रहे हैं कम से कम, बहुत ज़्यादा नहीं, कम से कम उन तक दूध पहुँचा सके ताकि वो अपने बच्चों को कम से कम दूध दे सके, कोशिश है और हर लोग माशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं। ये जो परेशानी आई इंशाल्लाह जल्दी ये दूर होगी। जिस तरह से आप देख रहे हैं लोग जो है यहाँ पर मदद के लिए जो है काफ़ी तैनात हैं, अभी बच्चों के लिए जो है दूध का जो है ये जो इनके तरफ से दिया जा रहा है, कहाँ तक ये पानी अभी भी भरा हुआ है? अभी भी ये देख लीजिए एक घुटने तक तो भरा हुआ है, लेकिन रात में ये यहाँ तक भरा हुआ था और घरों के अंदर तकलीफ सबको ज़्यादा हुआ है कि सबने अपना सामान नहीं उठा पाए और सबका नुकसान ज़्यादा हुआ। ये तो एक वक्त का दो वक्त का खाना दे देंगे, इससे ज़्यादा तो कुछ नुकसान होगा नहीं, उनका तो भला होगा नहीं। हाँ, अगर सरकार के तरफ से अगर उनको कुछ आर्थिक सहयोग मिल जाए तो शायद उनकी कमर सीधी हो जाए, ख़ास करके जो लोअर एरिया में जो लोग रह रहे हैं ये उनको एक बेनिफिट मिलना चाहिए। अपर एरिया वाले की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो लोअर में जो मुतासिर हुआ है उसके लिए सरकार कुछ ना कुछ अपना एक मशीनरी लगावे। अभी भी स्थिति बनी हुई है, पानी की जो बहाव है, पानी की जो बाढ़ है, अभी भी स्थिति बनी हुई है। फिलहाल कल से और आज में एक फीट जो है पानी कम हुई है, आ रहे हैं जा रहे हैं और बोट आज भी चल रही है, नाव आज भी चल रही है। यहाँ पर दसियों हजार झोपड़े जो है वो डूब गए थे और कई लाखों का नुकसान यहाँ पर हुआ है, कितनों के सामान जो है जो कीमती है वो नहीं निकाल सके थे यहाँ पर और वो पानी में समा गया है। कैमरामैन रहमान के साथ फिरोज हाशमी, प्रहार टाइम्स, मुमरा।